जी अलैक् आवाज़ कंफर्म कर लीजिएगा मैं पीपीटी अपलोड कर रहा हूँ जी सलाइकम चले मुझे ज़रा ये बताएं कि हम कहाँ तक पढ़ चुके थे और कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है आज के दिन आई थिंक वी वर ऑन स्पेसिफिक फोबियाज कर गए थे हम सोशल फोबियाज कर गए थे जी ऑसेडी स्टार्ट करना है ना आज हमने है ना डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे आज राइट right? जी क्लास बताइए कहाँ से स्टार्ट करना है ओ से स्टार्ट करना है यार तुम लोग तो बिल्कुल जीरो हुए हो स्टडी के मामले में पर हो रिजल्ट आता रहेगा आप लोगों का यार लेकिन अब नेक्स्ट ईयर को तो ना खराब करो अपने को रिजल्ट आज भी नहीं आया आपका पता नहीं किधर रह गया रिजल्ट यार आप लोगों का इतना लेट क्यों हो रहा है हुँ? दीद दीद। आप लोगों का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा भाई चलें जी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर स्टार्ट करते हैं हम एंड और... फोबिया की डिटेल तो पढ़ ली थी मेरा ख्याल है कि हमने आ... ऑक्सीडी नहीं स्टार्ट करना था ये मैंने आपको सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन और फ्लडिंग पढ़ा दी थी मुझे अच्छे तरीके याद है जी फ्लडिंग और सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन मैंने आपको रिसेंटली पढ़ाई है भाई मुझे याद है भाई हाँ तो आज हमने जो स्टार्ट करना है वो करना है ऑक्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स जिसको ओसीडी कहा जाता है सो so, लेट अस स्टार्ट ओसीडी ओसीडी क्या होती है और जी क्लास आप में से किसी को आइडिया हो ओसीडी क्या होता है जी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से क्या मुराद है एनीबॉडी जी एनीबॉडी व्हिच इज ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जी आप में से किसी को आइडिया है व्हाट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है बड़ा ठहर जरा मैं आपके क्लास के ग्रुप में जरा इनको सीधा करूं जी बिल्कुल आई थिंक हम क्लास में पहले भी थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको वहम की बीमारी भी कहा जाता है चले इसको जरा हम आ, थोड़ा सा वो कर लेते हैं तोड़ लेते हैं इन वर्ड्स को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर डिसऑर्डर बीमारी ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव ऑब्सेसिव जो है वो ऑब्सेशन से निकला है कंपल्सिव जो है वो कंपल्शन से निकला है तो हमेशा याद रखना है ऑब्सेशन का मतलब होता है ऊपर लिखा भी हुआ हमारे माइंड के अंदर आती हैं और कंपल्शन होती है कि जब हम उस काम को कर गुजरते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं अपने घर से निकला हूं और मुझे एकदम से क्लिक हुआ माइंड के अंदर कि यार मेरा ख्याल है कि मैंने दरवाजा नहीं बंद किया मेरा ख्याल है कि मैंने दरवाजा नहीं बंद किया तो मैं क्या करूंगा मैं फौरन से वापस जाऊंगा अपने दरवाजे को चेक करूंगा तो वो जो मेरे माइंड में थॉट्स आ रही थी वो क्या था वो ऑब्सेशन थी और जब मैंने उन थॉट्स के ऊपर अमल किया और मैं वापस जाके बार बार घर का दरवाजा चेक किया या अपनी कबट का दरवाजा या लॉक चेक किया सो डेट इज कम्पल्शन तो दिस इज ऑब्सिव कम्पल्सिव डिसऑर्डर नहीं हो रही जी अब बताइए आप पीपीटी शो होने लग गई आप लोगों के सामने जी क्लास पीपीटी हो रही है आपके सामने शो चले ठीक है तो मैंने आपको बताया कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में अगर इसको हम ब्रेक डाउन करें तो देर देर इज वन थिंग ऑब्सेशन ऑब्सेशन का मतलब होती है थॉट्स और कंपलशन कंपलशन का मतलब होता है वो एक्शन कर जाना जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ठीक है अब हम इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं

ठीक है अदरवाइज uh, जो बहुत एंगजाइटी होगी मुझे मैं सारा रास्ता सोचता रहूंगा ये हर वक्त यही सोचता रहूंगा कि यार वो पता नहीं दरवाजा बंद किया है कि नहीं किया सो so, मैं वापस जाऊंगा वापस जाके दरवाजे को चेक करूंगा दैट वुड बी कम्पलशन ठीक है उस कंपल्सिव एक्ट करने से एंग्जाइटी बंदे की थोड़ी सी रिलीव होती है सो so, इसको हम कहते हैं ऑब्सिव कम्पल्सिव जिसके अंदर रिपिटेटिवली थॉट्स आती हैं माइंड में और इंसान रिपीटिवली कुछ ना कुछ काम करता है अभी आप आगे देखेंगे कि यार लोग पता नहीं कितनी अच्छी किस्म की चीजों के लिए ऑब्सेसिव एंड कंपल्सिव डिसऑर्डर उनको हुए होते हैं सो so, आगे है जी रिएकरेंट <coughs> सॉरी सो so, रिएकरेंट परसिस्टेंट अनवांटेड इंट्रूसिव थॉट्स के बार बार वो थिंकिंग्स आती हैं परसिस्टेंट होती हैं मतलब रोज ही आती हैं तकरीबन अनवांटेड होती हैं इंसान चाहता है कि ये थिंकिंग मुझे ना आए

सो so, इंसान उनको सुप्रेस करने की कोशिश करता है उनको माइंड से निकालने की कोशिश करता है लेकिन अगर वो ऐसा करता है तो उसको जो है वो एंजाइटी होती है तो लिहाजा वो उन, उनकी उनके लिए कंपलशन करता है वो बार बार कोई काम करता है एक ऐसा जो कि उसकी एंजाइटी को रिलीव करता है मोस्टली टीन एज के अंदर ये चीजें होती हैं और इंसान जानता है कि ये जो मेरी आदत है ना ये एक

तालों को चेक करना सबसे ज्यादा जो पाया जाता है ना वो तालों को चेक करने वाली जो है वो रिचुअल पाई जाती है लोगों के अंदर लोग बहुत ज्यादा इस चीज इस में मुबतला होते हैं उसके बाद काउंटिंग रिचुअल्स होती हैं कि इंसान जो है ना अपने आप को रोक नहीं पाता और इंसान अपना हर स्टेप जो है ना वो काउंट करता है कि मैं ये मैंने एक स्टेप ले लिया दो स्टेप ले लिए तीन स्टेप ले लिए ठीक है अः सीलिंग टाइल्स को काउंट करता है इंसान ऐसे कमरे में बैठ जाता है तो वो ना चाहते हुए भी जो है वो काउंट करने लग जाता है कि पे पे कितनी टाइल्स लगी हुई हैं हैं कितने ब्लॉक्स लगे हुए ठीक है ना यहाँ चीजें पड़ी हुई हैं ब्लॉक्स कितने लगे हुए हैं और डेस्क इन द्लासरूम क्लासरूम में डेस्क कितने हैं तो इनको काउंटिंग रिचुअल्स कहा जाता है उसके बाद अगली जो है उसका नाम है वॉशिंग एंड स्क्रबिंग द स्किन इज रॉ तो इंसान को जरासिमों का डर पड़ जाता है और इंसान बार बार हाथ वॉश करता है और इतने ज्यादा वॉश करता है कि हैंड्स रेड हो जाते हैं रो हो जाते हैं ऊपर से स्किन उतरने लग जाती है और बड़ी दर्द वगैरह जो होती है लेकिन स्टिल भी वो हैंड वॉश करने से बाज नहीं आता प्रेइंग और चैंटिंग रिचुअल्स बहुत ही ज्यादा वो आ, मतलब प्रेयर्स करना और बहुत ही ज्यादा मतलब इस तरह के रिलीजन बहुत ज्यादा डल्ग हो जाना तो ये भी रिचुअल्स जो है हो जाती हैं उसके बाद टचिंग रビング टैपिंग फीलिंग द टेक्सचर ऑफ द ईच मटेरियल इन अ क्लोथिंग स्टोर एज पीपल डोर्स वॉल्स एंड वन सेल्फ, ठीक है टचिंग रिचुअल्स भी पाई जाती हैं कि इंसान का हर चीज के टेक्सचर को जो है ना हाथ लगा के फील करने का दिल करता है सो उसके बाद है जी होर्डिंग आइटम्स फॉर फियर ऑफ थ्रोइंग अवे समथिंग इंपॉर्टेंट हॉर्डिंग मतलब है चीजों को बड़ा संभाल संभाल के स्टोर करके रखना तो ये भी रिचुअल्स लोगों के अंदर पाई जाती हैं ऑर्डरिंग रिचुअल्स पाई जाती हैं जी अरेंजिंग एंड और डेस्क और आइटम्स ऑन अ अ डेस्क शेल्फ परफेक्ट ऑर्डर वैक्यूमिंग द रग पाइल इन वन डायरेक्शन ठीक है कि बार बार चीजों को जो है ना साफ करने की कोशिश करना अगर जूतियां बिखरी हुई पड़ी हैं तो उनको बड़ा एक ऑर्डर से करके कोई भी जूती आगे पीछे ना हो इस तरह से रखना तो इसको ऑर्डरिंग रिचुअल्स भी कहा जाता है

तो ये एक बड़ी खतरनाक किस्म की रिचुअल पाई जाती है कि बार बार जो है ना माओ के माइंड में ख्याल जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं कि इसको मैं दीवार के ऊपर दे मारूं उनको बार बार ये थॉट आती है और ये जो है ना खतरनाक होती है सो दिस इज आल्सो एन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर लेकिन मोस्टली जो देखा जाता है वो चेकिंग रिचुअल्स लोगों में पाई जाती है या फिर काउंटिंग रिचुअल्स जो वो पाई जाती है सो देर आर सर्टेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स रिलेटेड so डिसऑर्डर्स में कौन कौन से हैं सेल्फ एक्सकोरिएशन, एक्सकोरिएशन, स्किन पिकिंग आती है जिसमें वो जो लोग जो हैं वो स्किन को जो है ना वो उतारते जाते हैं स्किन को और स्किन को उतारने में उनको मजा आता है या अच्छा लगता है या फिर स्किन को दांतों के जरिए जो है वो एक्सकोरिएट करते हैं पिक करते हैं उतारते हैं और निकोफेजिया डिसऑर्डर्स ठीक है चिकटिलोमिया इसके अंदर लोगों को हेयर पुलिंग की आदत होती है और लोग जो है उनको अपने, अपने वो चाहते हैं कि वो ये नेल्स को बाइट ना करें हेयर्स को पुल ना करें लेकिन स्टिल दे गो फॉर इट वो इसके बगैर नहीं रह सकते और अगर जब तक कि वो ये काम नहीं करते नेल बाइटिंग नहीं करते तो उनकी एंगजाइटी रिलीव नहीं होती है ठीक है तो इनको सेल्फ सूदिंग बिहेवियर्स कहा जाता है दूसरे हैं रिवार्ड सिकिंग बिहेवियर्स क्लैप्टोमिया इज आल्सो कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसके अंदर इंसान को जो है ना इसको कहते हैं चोरी करने की बीमारी ठीक है कि वो इंसान हालांकि अच्छा खासा वेल ऑफ होता है लेकिन जहाँ उसको कोई ऐसी चीज पड़ी हुई मिल जाती है तो वो उसका चोरी करने को दिल करता है चीज को वो चुरा लेता है इसको क्लेप्टोमेनिया कहा जाता है उसके बाद ओनियोमेनिया है कंपल्सिव बाइंग बहुत ज्यादा खरीदारी करना बहुत ज्यादा शॉपिंग करना है इसको ओनियोमिया कहते हैं और ये मोस्टली फीमेल्स के अंदर पाया जाता है जी हॉर्डिंग चीजों को संभाल संभाल के रखना हॉर्डिंग करना तो दिस इज आल्सो रिलेटेड कंपल्सिव डिसऑर्डर उसके बाद है जी पायरोमानिया हर जगह आग लगाना ये सही वाली फायर सेटिंग है जी आग लगा देना जो भी जगह देखनी कहीं पे पड़ा हुआ है कोई चीज पड़ी हुई है तो उसको आग लगा देना तो ये भी एक बड़ा डेंजरस ऑब्सेसिव कंपल्सिव रिलेटेड डिसऑर्डर है सो so, इस तरह के डिसऑर्डर्स भी जनाब पाए जाते हैं अब इनमें से जो मोस्टली आपको आपके सामने बड़े कॉमन मिलते होंगे उनमें एक्सकोरिएशन है स्किन पिकिंग बहुत सारे लोग करते हैं उनको फेजिया बहुत ज्यादा पाया जाता है क्लैप्टोमिया बहुत ज्यादा है मोस्टली हॉस्टल्स के अंदर गर्ल्स पाई जाती हैं चीजें चुरा लेती हैं <coughs> हालांकि वो खुद वेल ऑफ होती हैं लेकिन बेसिकली उनके अंदर एक मेंटल डिसऑर्डर होता है जो कि उनको मजबूर करता है चीजें चुना चुराने के अंदर ओनियोनिया बहुत ज्यादा पाया जाता है कम्पल्सिंग बाइंग इंसान बहुत सारी चीजें खरीद के आ जाता है और जब वापस आता है तो उसको पता चलता है कि यार ये चीजें तो मुझे चाहिए नहीं थी जो मैं ले आया हूँ इनका मैंने क्या करना वो चीजें वैसी पड़ी रहती हैं तो ये सारी चीजें हैं हॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा पाई जाती है लोग अपनी पुरानी पुरानी, पुरानी चीजें संभाल के रखते हैं उनका कोई काम भी नहीं होता वैल्यू भी नहीं होती लेकिन वो जो है ना उनको छोड़ने पर वो नहीं होते हैं एग्री नहीं होते हैं जी यहाँ तक कुछ सवाल है तो पूछ लें फिर हम आगे चलेंगे जी क्लास हाँ जी कुछ सवाल है यहाँ तक तो बताओ ना यार अगर क्लियर है फिर भी बता चलते हैं हम आवाज़ आ रही है मेरी जी चलिए ठीक है आप लोग अभी जो है ना थक गए होंगे मैं भी थक गया हूँ तो हम जरा दस मिनट की ब्रेक लेते हैं छः बज के पच्चीस मिनट पे हम लोग वापस मिलते हैं और फिर हम यहाँ से ये यह कुछ और रिलेटेड डिसऑर्डर्स है इनको डिस्कस कर और फिर हम जो है ना बेसिकली ओसीडी के हवाले से डिस्कस कर कि इनको ट्रीट किस तरह करना है कंट्रोल किस तरह करना है बहुत मुश्किल होता है उसे को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है उसे को कंट्रोल करना ठीक है तो चलें जी अब आप लोग टेन मिनट्स की ब्रेक ले लें उसके बाद जनाब हम ये थोड़ा से दो रिलेटेड रिलेटेडर्स हैं इनको पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ ऑब्सेशन एंड कंपलशन पढ़ेंगे कॉमनली जो हमारे आसपास पाई जाती हैं और उसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे आई होप कोशिश होगी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आज खत्म कर दूं एंड अगेन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इसकी नर्सिंग डायग्नोसिस आई हुई हैं एग्जाम में पास पेपर्स में इसके साइन एंड सिम्टम्स आई हुई हैं हाँ, और इसके पेशेंट की टीचिंग्स आई हुई हैं इसका ट्रीटमेंट आया हुआ है और रिचुअल्स की टाइप्स आई हुई हैं तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं इनको जरा आपने ध्यान से देखना है 10 मिनट्स की ब्रेक है 6:25 मिनट पे हम वापस आते हैं हाँ जी अलकुम वापस आ जाएँ और अटेंडेंस लगवा लें अटेंडेंस लगाएँ फिर हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से अभी अभी जी क्लास अभी स्टार्ट करेंगे आगे जी सही है चलें हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट है जी रिलेटेड डिसऑर्डर्स uh, के अंदर बॉडी डिसमोरफिक डिसऑर्डर प्री ऑक्यूपेशन विद द स्लाइट और एवर इवन इमेज फिजिकल इम्परफेक्शन किसी को लगता है कि मेरा नाक छोटा है किसी को लगता है मेरी आंखें छोटी हैं तो बंदा उसको लेके जो है ना सारा दिन सोचता रहता है सोचता रहता है उनको करेक्ट करने की कोशिश करता रहता है तो इसको हम बॉडी बॉडी टू द बॉडी की बॉडी बॉडी का कोई हिस्सा जो ना अच्छा ना लगना इस हद तक के बंदा कहकर मैं इसको कटवा ही दूं जैसा किसी को नोज पसंद नहीं होता या इस तरह की कोई चीज सो so, ये रिलेटेड डिसऑर्डर थे

बंदा जानता है कि ये नॉर्मल नहीं है बार बार दरवाजे को चेक करना नेल्स को बाइट करना नॉर्मल नहीं है लेकिन बंदा उनको छोड़ नहीं पाता है विदाउट एनी हेल्प की जब तक हेल्प ना की जाए उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो बंदा उनको छोड़ नहीं पाता है ठीक है जी मेरे पास हो रही है अजान अजान सुन लेते हैं उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ ऑब्सेसिव थॉट्स की तरफ एनर्जी इसी को आगे बढ़ाते हैं अजान हो गई है मेरे पास एंड नेक्स्ट वी हैव कॉमन ऑब्सेसिव थॉट्स लोगों को कौन-कौन सी आती हैं कंटैमिनेशन की कि भाई किसी भी चीज को हाथ लगाया हाथ गंदे हो गए हैं सो लोग मुझे अब हैंड वॉश करना है वो लोग जिनको ये जो रिपीटेटिव बिहेवियर्स करते हैं वॉशिंग वाला उसके बाद रिलीजियस पी और ब्लेसफमी Uh, कुछ लोग अपनी इस तरह की थॉट्स को नहीं रोक पाते जो कि उनके रिलीजियस के अगेंस्ट उनके माइंड के अंदर आ रही होती हैं और इंसान चाहता है कि मेरे मुझे वो सोचे ना आए लेकिन वो सोचे उसको आ रही होती हैं उसके बाद एक जैसे अर्जिस, अर्जिस किसी को मारने की किसी को अब यूज करने की अर्जिज आती हैं सो ये भी ऑबसेशन जो है ना वो लोगों को आती हैं ख्याल आते हैं उसके बाद है डाउटिंग शक करना तो ये भी जो है लोगों के अंदर जो है ना ये अर्जिज आती हैं थिंकिंग्स आती हैं ऑबसेशंस आती हैं एक्सीडेंटल हार्म टू अदर्स लोगों को हार्म करने की जो है वो आती हैं माइंड में इसके अलावा या sexual obsessions जो हैं ये भी बहुत ज्यादा कॉमन है बहुत ज्यादा थिंकिंग आना इस तरह की तो ये भी बहुत ज्यादा कॉमन है अब कॉमन इम्पलशन की तरफ देख लेते हैं कम्पलशन कम्पलशन हमने पढ़ा था कि वो एक्ट्स होते हैं कोई बंदा जो बार बार परफॉर्म करता है चेकिंग रिचुअल्स आ जाती हैं जैसा कि हमने पहले भी देखा तालों को चेक करना बार बार अपने uh, सुई गैस के uh, ओवन को चेक करना चूल्हे को चेक करना जल तो नहीं रहा गैस तो नहीं लीक हो रही है बार बार इस चीज़ को करना काउंटिंग रिचुअल्स हमने पहले भी पढ़ी हैं काउंट करना कमरे में कितनी टाइल्स लगी हैं सामने जूते कितने पड़े हुए हैं मेरे ठीक है और इंसान चाहता है कि वो इनसे अवॉइड करें लेकिन इंसान अवॉइड नहीं कर पाता सीढ़ियों के ऊपर चलते हुए सीढ़ियों को काउंट करना उसके बाद वॉशिंग स्क्रबिंग रिचुअल्स आ जाती हैं बार बार हैंड्स को वॉश करना कपड़ों को बार बार धोना

हटना तो ये भी जो है, में आ जाता है। जी अब पेशेंट और उसकी फैमिली को क्या टीचिंग्स देनी है अब बात ये है कि जो पेशेंट्स होते हैं ऑब्सिव कम्पलिव डिस प्रॉब्लम है वो उससे जानते हैं लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते हैं वो रुक नहीं पाते हैं उन रिचुअल्स को परफॉर्म करने से उन थिंकिंग्स को माइंड में आने से वो रोक नहीं पाते हैं सो so, उनको जो है बेसिकली हेल्प की ज़रूरत होती है सो वट वी आर गोइंग टू टीच दैम उनको बताएँ ओसी डी एंड इन रिकेगनाइजिंग पेशेंट सिम्टम्स तो उनको बताया जाता है कि ये एक बीमारी है अगर आप इस तरह से बार बार हैंड वॉश करते हैं ताले चेक करते हैं सो ये एक बीमारी है और इस बीमारी के बहुत सारे लोग इस दुनिया में पाए जाते हैं और ये एक अः जो है ना दिमागी बीमारी है या नफसियाती बीमारी है तो ये पेशेंट को बताना रियलाइज कराना बहुत जरूरी होता है ठीक है जी और उसकी सिम्टम्स रेकग्नाइज कराएं कि ये ये सिम्टम्स आती हैं रिव्यू इंपॉर्टेंस ऑफ ओपनली डिस्कसिंग ऑब्सेशन एंड कंपल्शंस एंड एंग्जायटी पेशेंट के साथ ऑब्सेशन कंपल्शन और एंग्जायटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करें एमफासाइज डेट मेडिकेशंस कंप्लायंस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ओसीडी ट्रीटमेंट तो ओसीडी के अंदर एक खास काफी लंबे अरसे के लिए जो है ना वो मेडिसिंस एंजियोलिटिक्स और ये एंटी डिप्रेस इस्तेमाल करनी पड़ती हैं फिर कहीं जाके चीजें बेहतर होती हैं डिस्कस बिहेवियरल टेक्निक्स फॉर मैनेजिंग एंगजाइटी डिक्रीजिंग सिम्टम्स बिहेवियरल टेक्निक्स वो होती हैं जिनसे बिहेवियर को चेंज किया जाता है फॉर एक्जाम्पल अगर किसी को ताले वगैरह चेक करने का बहुत ज्यादा है हैंड वगैरह वॉश करने का बहुत ज्यादा तो उसको कहा जाता है कि यार आप ग्लव्स पहन लो और ग्लव्स पहन के काम किया करो ताकि आपको बार बार ना लगे हाथ गंदे हो गए तो आप उसको ना करो बार बार ठीक है तो ये बिहेवियर टेक्निक्स होती हैं आगे भी हम पढ़ेंगे कि बाजा जो है ना उनको कह दिया जाता है कि आप अगर कोई रिचुअल परफॉर्म करते हैं बार बार जैसे हैंड वॉशिंग बार बार करते हैं या फिर बार बार ताले चेक करते हैं तो अपने आप को उससे रोकने की कोशिश करोगे और अगर आपका एक दिन उसके बगैर गुजर जाता है तो आप अगले दिन अपने आप को कोई ना कोई गिफ्ट दे दो तो ये भी एक बिहेवियरल बिहेवियर चेंज करने की टेक्निक होती है अभी जब इसका ट्रीटमेंट आएगा तो मैं आपको वो सारी टेक्निक्स जो है वो बताऊंगा टीच फैमिली टू अवॉइड गिविंग एडवाइस सही है तो फैमिली को जो है ना वो आपने डेफिनेटली कहना है पेशेंट को एडवाइस देने से हो, मना होना है कि यार पेशेंट को लान तहान करनी है कि यार ये तुम क्या करते हो बार बार हाथ धोने जा रहे हो क्यों बार बार क्यों ताले चेक कर रहे हो बार बार नेल बाइटिंग क्यों कर रहे हो ये अच्छी चीज नहीं है और ये वो एडवाइस देने से मना करना है क्योंकि होता ये है कि ये एक साइकिल चल निकलता है कि जब बंदे को एडवाइस दी जाती है ना उसको और ज्यादा फील होता है कि यार मेरे अंदर तो कोई कमी है मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है और मैं तो इससे नहीं लड़ लड़ पा रहा तो वो और ज्यादा उस काम को करता है क्योंकि उसने अपनी एंगजाइटी रिलीव करनी होती है उसके बगैर उसकी एंगजाइटी रिलीव नहीं हो रही होती है ठीक है तो फैमिली को सिर्फ ये कहा जाता है कि आपने पेशेंट को एडवाइस नहीं देनी बार बार टोकना नहीं है टीच फैमिली टू अवॉइड ट्राइंग टू फिक्स द प्रॉब्लम ठीक है कि ये प्रॉब्लम फैमिली खुद डांटने डपटने से इस तरह से फिक्स नहीं कर सकती तो फैमिली को बताना है कि आपने इसको फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी हम मेडिसन से और साइकोथेरेपी और बिहेवियल थेरेपी से इसको फिक्स कर सकते हैं आप इसको खुद से डांट के डबट के उसको किसी कमरे में बंद करके ऐसे इसको ठीक नहीं कर सकते हैं टीच फैमिली टू बी पेशेंट विद इट्स ऑन डिस्कम्फर्ट तो पेश फैमिली को बताया जाता है कि आप बेशक इस चीज से अनोयड फील करते हैं कि सामने वाला बंदा इस तरह की रिचुअल्स परफॉर्म कर रहा है लेकिन आपने अपने आप तो को रिलैक्स रखना है टीच फैमिली टू मोनिटर इट्स ऑन एंगजी लेवल फैमिली को एंगजाइटी होती है इस चीज से जब कोई बंदा बार बार रिचुअल्स परफॉर्म करता है इस तरह के उल्टे सीधे काम करता है तो फैमिली को कहा जाता है कि आप अपनी एंगजाइटी भी मैनेज करें क्योंकि अगर ये फैमिली के अंदर पहले से पाया जा रहा है डिसऑर्डर तो डेफिनेटली फैमिली के किसी और मेम्बर को भी ये डिसऑर्डर हो सकता है तो गिव फैमिली परमिशन टू टेक फ्रॉम दिचुएशन एज नीडेड को कहा जाता है सो आप so, हम अभी तक जितने भी डिसऑर्डर्स पड़ चुके हैं मैंने आपको पहले कुछ एंगजाइट डिस की टाइप पढ़ाई है इससे पहले डिप्रेशन मैनिया पड़ा तो इन सब के अंदर होता क्या था इन सब के अंदर होता ये है कि वट वी डू हम क्या करते हैं

और जो है ना ये दी जाती है सेकेंड लाइन में एस एन आर आईजटीन है और ट्रीटमेंट रेजिस्टेंस ऑसडी होते हैं कुछ आ, जिनकी जिनके अंदर ये जो है एस एस आर आईज और एस आर एन आर आईज असल नहीं करती हैं तो इनके अंदर सेकेंड जनरेशन एंटी साइकॉटिक ड्रग्स दी जाती है सेकंड जनरेशन एंटी सकॉटिक ड्रग्स दी जाती हैं फिर कहीं जाके

ठीक है तो इस तरह की एक्सपोज़र थेरेपी की जाती है उसके बाद प्रिवेंशन डिले और अवॉइड परफॉर्मिंग रिचुअल टू टॉलरेट एंड हमें पता है कि कोई भी बंदा बार बार ताले चेक क्यों करता है रिचुअल्स को परफॉर्म क्यों करता है कंपलजन को परफॉर्म क्यों करता है क्योंकि उसको उससे एंग्जाइटी को रिलीफ मिलता है ठीक है तो क्या करते हैं रिस्पॉन्स प्रिवेंशन में यह किया जाता है कि उसकी उसको हम मना नहीं करते कि वो रिचुअल्स परफॉर्म करें लेकिन हाँ या तो हम उसे कहते हैं कि दिन में अगर तुम ये काम दस दफा करते थे तो तुम तीन या चार दफा कर लो इसको डिक्रीज करो ठीक है या फिर उसको डिले करने की कोशिश की जाती है हैंड वॉशिंग करने की उसको अर्ज आ रही है उसको उसको थोड़ा सा कहा जाता है तुम रिलैक्स करो बैठ जाओ लंबे लंबे सांस लो और फिर उसको अलाउ कर दिया जाता है चलो तो ठीक है जी अब आप थोड़ा सा टाइम गुजार लिया अब जाके हैंड वॉश कर लो आप ठीक है तो ये ये जो चीज है इस तरह से इसका ट्रीटमेंट को डिले करके एक्सपोजर थेरेपी करके या फिर कोग्नेटिव बिहेवियरल थेरेपी के जरिए ये चीज देख के कि किन मौक़ों के ऊपर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बहुत ज्यादा इंसान के ऊपर हैवी हो जाते हैं तो उन उनकैन से उन चीजों से अवॉइड करना जी ओसी के पेशेंट की जब असेसमेंट की जाती है तो उसके लिए एक येल ब्राउन ऑब्सेसिव कंपल्सिव स्केल इस्तेमाल किया जाता है इसको आप लोगों ने याद कर लेना नाम को ऑब्जेक्टिव के अंदर बहुत पूछा जाता है जी कौन सा स्केल इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे तो आपको पेशेंट को में हिस्ट्री मिलेगी ये सारी की सारी कोई ना कोई रिचुअल परफॉर्म करने की फैमिली के अंदर भी ओसीडी की आपको हिस्ट्री मिलेगी जनरल अपीयरेंस देखेंगे पेशेंट टेंस एंक्शियस और एम्बेसमेंट वाली उसके अंदर आपको फीलिंग आएगी क्योंकि बार बार हाथ धो रहा है लॉक्स चेक कर रहा है कुछ इस तरह नेल बाइटिंग कर रहा है तो वो इन चीजों को जान के नहीं करता वो उनको छोड़ना चाहता है लेकिन वो करता जाता है तो उसको इससे हम्बेसमेंट भी फील होती है कि लोग मुझे देख रहे हैं लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं और मैं इस तरह से जो है ना वो कर रहा हूँ वास्तव के है मैं रिफ्रेश करता हूँ ठीक है जी वापस आ गए रिफ्रेश हो गया है उसके बाद मूड इफेक्ट देखेंगे उसमें भी आपको एंग्जाइटी नजर आएगी हमने पहले भी पढ़ा था जितने भी एंगजाइटी हैं तो उनका ओवरवेलमिंग रिस्पांस जो है वो क्या है वो उनके अंदर एंगजाइटी के सिम्टम्स जो हैं वो प्रोमिनेट पाई जाती हैं थॉट प्रोसेस एंड कॉन्टेंट थाट्स उनकी जो है ना बार बार कोई ना कोई थॉट उनको तंग कर रही होगी ऑब्सेसिव था होंगी उनकी वो आपको बताएंगे जजमेंट इन वो बंदा बताएगा आपको कि यार ये काम मैं करता हूँ ये थिंकिंग मुझे आती है मैं इनको स्टॉप करने की कोशिश करता हूँ जिस इज अब नॉर्मल लेकिन मैं इनको छोड़ नहीं पा रहा स्टॉप नहीं कर पा रहा सेल्फ कॉन्सेप्ट इंसान पावरलेस फील करता है जब वो किसी ऐसी चीज से छुटकारा नहीं पा जा पा पा, पा रहा होता जो कि जिसको वो गलत समझता है या जिसको वो परफॉर्म नहीं करना चाहता है रोल रिलेशनशिप डिस्टर्ब होते हैं फिजिक फिजियोलॉजिकल सेल्फ केयर कंसिड्रेशन स्लीपिंग प्रॉब्लम इन लोगों के अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती हैं ठीक है जी उसके बाद पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस दीज आर इम्पॉर्टेंट और सी में कौन कौन सी नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकती हैं तो सबसे पहले तो एंजाइटी बन सकती है इन इफेक्टिव कॉपिंग क्योंकि बंदा कॉप नहीं कर पा रहा उन चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहा जिनको वो पसंद नहीं करता फिटीक हो जाती है सिचुएशनल लो सेल्फ स्टीम अगर कोई बंदा बार बार हैंड वॉश कर रहा है या फिर लॉक्स चेक कर रहा है तो डेफिनेटली उसकी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है कि भाई लोग मुझे देख रहे हैं इस काम को करते इम्पेयर्ड स्किन इंटेग्रिटी हो जाती है जी लोगों में जो लोग हैंड बार बार वॉश करते हैं उनकी स्किन रॉ हो जाती है ऊपर से स्किन उतर जाती है रिस्क फॉर इंफेक्शन उनमें हो सकता है, हो सकता है behavior, ये health नहीं है हैंड, बहुत हैंड इस वक्त तक धोते रहना जब तक कि वो उनकी स्किन ही ना उतर जाए सो so ये प्रोन हेल्थ बिहेवियर है पावरलेसनेस एक और नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो बन सकती है राइट right? तो ये था हमारा ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंगटी डिसऑर्डर ठीक है जी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर अभी तक हम फोबिया पढ़ चुके हैं गोराफोबिया पढ़ चुके हैं पैनिक डिसऑर्डर पढ़ चुके हैं ओसीडी पढ़ चुके हैं नेक्स्ट जो हमारा डिसऑर्डर है वो है जी जर्नलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा जस्ट फ्लेवर दूंगा जर्नलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर का उसके बाद जो जर्नलाइज डिसऑर्डर इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम फ्राइडे वाले दिन ये चैप्टर भी क्लोज कर देंगे मेरे पास अगेन अजान हो रही है अजान हो, हो जाए जरा तो फिर मैं आपको इसको थोड़ा सा फ्लेवर देता हूँ फिर हम क्लास को खत्म करते हैं अच्छा उतनी देर आप लोग ऐसा करें कि आप लोग जरा इसे GAD इसको कहते हैं जर्नलाइज एंगजाइटी डिसऑर्डर और ये बहुत ज्यादा कॉमन है इसको एक दफा जरा आप लोग रीड आउट कर लें उतनी देर ठीक है जितनी देर अजान हो जाती है आप लोग इसको रीड आउट कर लें हाँ जी तो क्या समझ आई आपको इससे सो जर्नलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर जो है ये एक बड़े लंबे अरसे तक रहने वाला एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है छह महीने तक जब एंग्जाइटी डिसऑर्डर के सिम्टम्स रहे जो कि अभी आप आगे पढ़ेंगे वो रहे तो फिर जो है ना हम उसको जर्नलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर या जीएडी उसको डायग्नोज कर देते हैं इसके अंदर छह महीने से ज्यादा जब बंदा परसिस्टेंटली एंक्शियस रहे एंगजाइटी में रहे तो उसको फिर हम जी जो है उसको डिक्लेयर कर देते Apprehensive expectations more अप्रीहेंसिव uh, more days than not for six months or more about several events or activities हर चीज़ की बारे में मेंस होना हर चीज़ की एंगजाइटी लेना हर चीज़ के बारे में एंक्शियस होना हर चीज़ को लेके परेशान हो जाना छह महीने तक अगर एक बंदे के अंदर ये चीज़ पाई जाती है तो फिर उसको जी का पेशेंट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है ठीक है जी

<coughs> इसका जो ट्रीटमेंट है वो बस पिरोन जो एक एनजियोलिटिक मेडिसिन थी और साथ में एंटी डिप्रेसेंट्स जो हैं इसके 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 लिए ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किए जाते हैं ठीक है सो सेल्फ अवेयरनेस इश्यूज के अंदर है नीड टू अंडरस्टैंड हाउ एंग्जाइटी बिहेवियर एंगजाइटी किस तरह से आती है हमें अपने अंदर भी देखना चाहिए वी आर एज अ अर्सिस हम जो है ना वो एंगजाइटी के बहुत आसपास फिर रहे होते हैं स्पेशली पेशेंट्स हॉस्पिटल की स्ट्रेसफुल इन्वामेंट ठीक है इफ एवरी सफर सफर फ्रॉम फ्रॉम एंड स्ट्रेस स्ट्रेस हर बंदे को और होती है जिंदगी में कभी ना कभी बट उसे हम एंगजाइटी डिसऑर्डर में जो है ना वो नहीं कर सकते हैं कंसिडर तो एंगजायटी डिसऑर्डर का एक खास जो है वो क्राइटेरिया होता है जी जी ये लास्ट स्लाइड है हमारी अवॉइड ट्राइंग टू फिक्स पेशेंट्स प्रॉब्लम तो आप पेशेंट की प्रॉब्लम को फिक्स नहीं कर सकते पेशेंट के अंदर आपने एक सेल्फ डिटर्मिनेशन और सेल्फ ऑटोनमी जो है ना वो डेवलप करनी होती है पेशेंट खुद अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम करता है मेडिसिन और साइकोथेरेपी जो है हम साथ साथ देते हैं यूज टेक्निक टू मैनेज स्ट्रेस एंग्जाइटी इन पर्सनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी हमें एंगजाइटी और स्ट्रेस को मैनेज करना चाहिए क्योंकि एंगजाइटी और स्ट्रेस जो है ना दिस इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ चले जी आज यहाँ पर हम इसको खत्म करते हैं नेक्स्ट थोड़ा सा स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे और स्ट्रेस तो मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ तो इसको हम जल्दी जल्दी से नेक्स्ट लेक्चर में रीडिंग देंगे और उसके बाद जो दो एंगजाइटी डिसऑर्डर हमारे रह गए हैं उसके अंदर ए एस टी स्ट्रेस डिसऑर्डर और पीटीएस टी पोस्ट्रोमेटिक स्ट्रेस गए हैं वो इनशाला हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कल किसने ली क्लास आपकी मेरी जगह पे <coughs> कल किसने ली थी क्लास आप लोगों की मेरी जगह पे मैं कल क्लास नहीं ले सका मेरे बैटरी जो है ना वो डेड हो गई थी डिवाइस की जी अच्छा यार प्लीज इसको जरा आप लोगों ने बुक से पढ़ना है फ्राइडे वाले दिन तक किसी ने भी नहीं ली आप कह रहे हैं किसी ने नहीं कोई कह रहा है मैम स्नोबर ने ग्रुप में भी किसी ने नहीं पूछा सर क्लास लेनी है कि नहीं लेनी अच्छा किसी ने भी नहीं लिया अच्छे ठीक है जी ऑल राइट right है लेकिन आपको कम्युनिकेट हो गया था कि मैंने क्लास नहीं लेनी है क्योंकि मैंने कॉलेज में बता दिया था कि मेरा इस तरह से बैटरी डेड होने वाली है तो हो सकता है मैं क्लास ना ले सकूं ठीक है जी बताया नहीं आपको किसी ने कि मैंने क्लास नहीं लेनी अच्छा आपको बताया भी नहीं किसी ने कि मैंने क्लास नहीं लेनी यार अच्छा ठीक है ठीक है जी ठीक है हमने आपस में डिस्कस कर लिया था ठीक है जी चले द थिंग इज द थिंग इज हाँ बस चले नाउ द थिंग इज अ uh, नेक्स्ट यार ये प्लीज जरा आप लोगों ने जो है न एंग्जायटी डिसऑर्डर स्पेशली ये पढ़ लेना बुक से फ्राइडे वाले दिन मैं इसको खत्म कर दूंगा हम्म hmm? फ्राइडे वाले दिन इंशाल्लाह ताला हम एंग्जायटी डिसऑर्डर खत्म करके <coughs> अगला टॉपिक जो आप लोगों का सबसे फेवरेट है सिज़ोफ्रेनिया वो मैं स्टार्ट करूंगा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है लोगों का हर बंदा ही उसके ऊपर केस स्टडी बनाना चाहता है एनी हो पांच स्टूडेंट पूरे हो चुके हैं शीजो के केस स्टडी के बारे में आप लोग इसी वीक के अंदर मुझे अपने केस स्टडी के टॉपिक्स अपने पेशेंट्स की पिक्चर्स लेके फाइल्स की पिक्चर्स लेके सेंड कर देंगे इस वीक के अंदर अंदर इस वीक के बाद जो मुझे सेंड करेगा मैं उसका टॉपिक अप्रूव नहीं करूँगा सो प्लीज जल्द अज जल्द कहीं मेंटल हॉस्पिटल में किसी वार्ड में चक्कर लगाएं हाँ जी जी मैं अब ठीक हूँ अब बेहतर हूँ पिछले दिनों थोड़ा सा तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी गला खराब और साथ में फ्लू वगैरह बहुत सफी किस्म का फ्लू हुआ था अब तो खैर थोड़ा सा बस आवाज है बाकी अल्लाह का शुक्र है ठीक है ना सो प्लीज अपना जरा ये पोर्टफोलियो के टॉपिक्स जो है ना ये जरा फाइनल के लोग जल्दी से हां? आ, देखें और मुझे फिर बताएं कि आपने क्या टॉपिक्स लेने इनको फाइनलाइज करें जल्द अज जल्द सो so जो है ना हम चीजों को जो है वो आगे लेके चले राइट right जी समझ गए हैं सो so, पोर्टफोलियो वाला काम करें इस वीक के अंदर अंदर और एंगजाइटी चैप्टर को रीडिंग दें आप डिसऑर्डर भी ले सकते हैं कोई ड्रग एब्यूज का पेशेंट ले सकते हैं डिप्रेशन मैनिया ले सकते हैं ईटिंग डिसऑर्डर्स हैं बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं यार आप लोग जाओ चक्कर लगाओ सेट्रिक वार्ड में मेंटल हॉस्पिटल में जिनका कोई है लिंक वगैरह सिलसिला पेशेंट के साथ थोड़ी सी हिस्ट्री वगैरह लो टाइम गुजारो और कोविड ले नहीं यार कोविड नहीं है कोविड uh, नहीं है बिकॉज उस तरह के साइन एंड सिम्टम्स नहीं है कोविड में इतना स्वीर फ्लू नहीं होता एंड सेकेंडली कोविड में फीवर होता है मुझे फीवर नहीं हुआ और कोविड में uh, जो है ना बॉडी होती हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं थी जस्ट इट वॉज सीवियर फ्लू तो कोविड नहीं है यार <coughs> सही है जी और कोविड होता तो अपना काम अब तक दिखा भी चुका होता जितनी उस दिन कंडीशन वगैरह हो गई थी सर नहीं करवाए फिर ज्यादा ही ऑब्सेशन आती है ठीक <laughs> है जी चले एनी हाउ चलो यार थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करो साथ साथ अपना और मैं चाह रहा हूँ आपकी मेंटल हेल्थ जल्दी जल्दी खत्म करवा दूँ क्योंकि हो सकता है कि जो है ना मैं सिटी से बाहर मूव कर और फिर आप लोगों को कौन पढ़ाएगा सो हो सकता है कि मैं शायद आउट ऑफ सिटी मूव कर जाऊँ या कहीं और मूव कर जाऊं चाह रहा हूँ आप लोगों का सिलेबस कवर करवा दिया जाए और आप लोग साथ, साथ चीजों को पढ़ते रहो थैंक यू सो मच आप सब की दुआओं के लिए रिजल्ट करवाना है सर भाई जब भी पूछो यूएचएस वालों से वो कहते हैं बस इसी वीक में आ जाएगा तो आई होप इसी वीक में आ जाएगा चलें जी टेक केयर योरसेल्फ और प्लीज आपका जो है टाइम एक सुकून से घर बैठ के आराम से कुछ ना कुछ तो पढ़ पा रहे हैं तो इसको आप लोग कैश कराएं और कुछ थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करें अपनी एफ़र्ट्स पुट करें और सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स बहुत मुश्किल हैं यू एच एस आपको कोई रिलीफ नहीं देने वाला कोई वो आप लोगों को कुछ नहीं करने वाला जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे के देख लिया है सो so प्लीज़ पढ़ते जाओ सात सात मार्च में पेपर हो जाएंगे अगर तो आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए सो प्लीज़ अगेन यार पढ़ना शुरू कर दो मेहरबानी सर इस दफ़ा आपके रूमर्स खराब हो रहा है क्या मतलब समझा नहीं मैं इस चीज को सुंबल इस दफा आपके रूमर्स खराब हो रहे हैं क्या मतलब है मुझे भी बताओ क्या रूमर्स आ रहे हैं चले एनी हो हम पर जो है ना क्लास को एंड करते हैं जनाब और आई होप नेक्स्ट आप इस क्लास में जो है ना इसको पढ़ के आएंगे और अपने प्लीज़ केस स्टडीज़ के ऊपर अपने टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर काम करना शुरू करें जो पांच टॉपिक्स मेरे पास सबसे पहले आ जाएंगे आ, किसी डिजीज़ के ऊपर डिसऑर्डर के ऊपर उनको मैं अप्रूव कर दूँगा तो जितनी जल्दी हो सके आप लोग अपना अपना टॉपिक अच्छा रिज़ल्ट वाला रूमर्स ख़राब हो रहे हैं अच्छा 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 अल्लाह खैर करे भाई रिज़ल्ट के लिए अल्लाह खैर करे और आना तो है उसने और किसी ना किसी दिन शाम के वक्त आपका रिजल्ट वेबसाइट पे पड़ा होगा और इनशाला अच्छा अच्छा ही आएगा अच्छा यार बस अपना टॉपिक जो है ना अपना जो एक केस स्टडी के लिए जो डिसऑर्डर है उसे जल्द अज जल्द आप लोग पेशेंट की फाइल की पिक्चर्स लेके मुझे भेजें ताकि मैं उसको फाइनलाइज करूं और सिर्फ फाइल की पिक्चर्स नहीं लेनी प्लीज उससे हिस्ट्री भी लीजिएगा और प्रॉपरली जो है ना उसको फिर आपने तैयार करना है जैसे फर्स्ट ईयर में आपने स्टेज बनाई थी सो दैट्स इट टेक ऑफ योर सेल्फ अल हाफ जो मेरे को मिलते हैं जी इस चैप्टर को खत्म करते हैं फ्राइडे को टेक केयर अलाफिज